बहुत ही उससे प्यार था। हमारी बहन अनमोल गोहर का वो लाल था, लाल लाल, और हमें बहुत ही उसके साथ मोहब्बत और उल्फत का मामला था हमारा उसके साथ। दोस्त अहबाब जो तशरीफ लाए हैं, शोरा हजरात आए, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े नामवर शोरा यहाँ बैठे, तो एक ताल्लुक और एक मोहब्बत के बिना पे और इजहार ताज़ियत के लिए हम तशरीफ हाज़िर हुए हैं, और ये लोग तशरीफ लाए, हाज़िर हुआ और आप भी इसी हवाले से तशरीफ लाए। माशाल्लाह आपने जो कलाम सुनाया, अल्लाह आपकी आवाज़ में और बरकत नसीब फरमाए, आपके सुरों में और बरकत नसीब फरमाए। और मैं वक्त भी थोड़ा है माज़ मगरिब का ये होने वाली है, दो तीन अशआर सुना के दुआ मांग ले, यही है ना जी अनीस भाई, इतना ही, दो तीन अशआर सुन लीजिए। असल अशआर तो इन्होंने पढ़ दिए, हमारा तो टूटा फूटा शायराना कलाम होगा, शायराना तकल्लुम होगा, तरन्नुम होगा, क्योंकि देखना भी देखना दुरुशरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह मुसलमाना से जो उनके होंठों पे आ गया है वो लफ्ज कुरान हो गया है, सल्लल्लाहु जो उनके होंठों पे आ गया है वो लफ्ज कुरान हो गया है, जो लफ्ज कुरान हो गया है वो मेरा ईमान हो गया है, जो लफ्ज कुरान हो गया है वो मेरा ईमान और जो उनके तलवों से लग गए हैं वो जर्रे खुर्शीद बन गए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो उनके तलवों से लग गए हैं वो जर्रे खुर्शीद बन गए हैं, जो उनके कदमों से छू गया है, जो उनके कदमों से छू गया है वो सामने मर जान हो गया है, जो उनके तलवों से से लग गए वो जर्रे खुर्शीद बन गए हैं, जो उनके कदमों से मस हुआ है वो संग मर जान हो गया है, और ये वक्त की नब्ज थम गई क्यों, खामोश क्यों है निजाम हसन, ये वक्त की नब्ज, ये वक्त की नब्ज, ये वक्त की नब्ज थम गई क्यों, खामोश क्यों है निजाम हस्ती, मलक है शशबर के अर्श पर आज कौन मेहमान हो गया है, मलक है शशदर फरिश्ते